पांच टीम आज पांच टीम है हमारी और हम टोटल 150 प्लस की स्ट्रेंथ है हमारी, 152 की स्ट्रेंथ है और हम आज सीधा भटिंडा से भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आए हैं और फर्दर आगे हम पांच डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय होंगे। सर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, हम जो डिस्ट्रिक्ट हमें अभी डिप्लॉय हुए हैं वो पुरी, जगतसिंहपुर, कंद्रापाड़ा, भद्रा और जजपुर। क्या क्या इक्विपमेंट है हमारे पास जो साइक्लोन से रिलेटेड, साइक्लोन रेस्क्यू से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और फ्लड वाटर रेस्क्यू से जो स्टैंडर्ड हमारे इक्विपमेंट्स है एनडीआरएफ हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम वो सभी इक्विपमेंट्स कैरी कर रहे हैं और हमारा जो मेन टास्क है वो रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना है। सर किस तरह का प्लान बनाया गया है, कैसे शुरू में जाके पेड़ काटना या जो नहीं, जो भी साइक्लोन से जो भी डैमेज होगा उस डैमेज को जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी लोकल की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है टीम वहां रिस्पॉन्ड करेगी। हमारा मेन जो टास्क है, जो हमारा मेन है वो लोगों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा। सर आपकी टीम में महिलाएं भी हैं? हाँ, हमारी टीम जैसे अब डिजास्टर है तो डिजास्टर में ये तो है नहीं कि भाई जो अगर महिला विक्टिम्स हैं तो उनको उनकी प्राइवेसी और इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम में सभी टीमों में महिला रेस्क्यूअर्स हैं। सर लोगों को निकालने के लिए पेड़ को काट के या जो आयरन? हाँ, हमारे पास उससे रिलेटेड हमारे पास पेट्रोल ऑपरेटेड चैंसा, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो है गैसोलीन इक्विपमेंट्स सभी हैं और जिस तरह की भी कंडीशन होगी हमारे पास हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हम भी कैरी कर रहे हैं और अपना जो गैसोलीन है उसके लिए हमारे पास जो फ्यूल है वो